हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बादल। मैं तो आज मैं आप लोग के लिए नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो दोस्तों, मेरे इस नए चैनल पे दूसरी वीडियो है ढोलक लेसन की। तो दोस्तों, नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों, बाहर से थोड़ा शोर आ रहा होगा क्योंकि शिवरात्रि है आज, तो थोड़ा सा शोर आ रहा है बाहर, प्रोग्राम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए थोड़ा क्षमा कर दीजिएगा। और आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही फेमस भजन पे मैं एक ट्यूटोरियल लेके आ गया हूँ। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 यही वो मंत्र है। इस गाने पर हम सीखने वाले हैं। तो इसमें दोस्तों देखो, बहुत ज़बरदस्त ढोलक बजाई जा सकती है इस पर। तो लेकिन दोस्तों, मैं आप लोग की सहूलियत के हिसाब से थोड़ा सा स्लो, लेकिन दोगुन है इसके अंदर, दोगुन बजाना पड़ेगा तभी जाके मज़ा आएगा, बिना दोगुन के काम नहीं बनेगा। ठीक है, देखो दोस्तों कैसे बजा हुआ है, मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ गा के, फिर एक बहुत ही सुंदर सा इसके अंदर एक उठान बजा हुआ है, वो सुनाने वाला बहुत ही डिफरेंट टाइप का उठान है जो कि मैंने क्रिएट किया है। मैं मान सकता हूँ मैंने क्रिएट किया, मैंने सुना नहीं है कहीं पे भी, लेकिन ये चीज़, ये उठान मैंने खुद से क्रिएट किया, बहुत ज़बरदस्त लगता है मेरे हिसाब से। तो ये मैं सिखाने वाला हूँ, और एक दोगुन का ठेका बजा हुआ वो सिखाने वाला हूँ, और बीच में कोई नई चीज़ आ जाती तो मैं बीच में सिखाई देता हूँ। मेरा वो नहीं है कि पहले से मैं डिसाइड करके आता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों देखिए गाना क्या है। बम भोले बम भोले बम 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 भोले। क्योंकि दोगुन में भी अच्छा लगता है, कहरवा में भी अच्छा लगता है। वो उठान सुनिए। ठीक है, बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम। इसके अंदर तीन चीजें बजाई मैंने। ठीक है, पहली चीज ये सिखाऊंगा, दूसरी चीज छल्ला वाला पैटर्न सिखाऊंगा। ठीक है, थर्ड चीज बहुत सुंदर सीखा। ठीक है, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सीखिएगा। सबसे पहले हम उठान सीखते हैं कैसे। बहुत अटपटा सा उठान है, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे खत्म हो जाता है, फिर सीधे धा शुरू हो जाता है। ठीक है, ध्यान से देखिए क्या है। ठीक है, उठान का बोल लिखा हुआ मिल गया होगा। यहीं पे खत्म है, फिर उसके बाद सीधे ठेका स्टार्ट हो जाएगा, कोई सा भी ठेका लगा दो, विधाता या फिर धा। आप लोग को मिल गया होगा, ध्यान से देखिए, पकीट ता तकीट इतना आना चाहिए। कैसे बजा है, पकीट, ये तकीट ता तकीट दूसरा वाला तकीट है, ध्यान से देखिएगा, पकीट ता तकीट, ध्यान से देखना, देखिए, त की त ता त की त। ठीक है, सिंपल है, फिर से देखो, तकीट ता त की, इतना कर लिया, फिर उसके बाद कितक गे ताती, के इधर से बजाने, कितक क बेस है, वाइब्रेशन आ रही है, कितक गे ताती,
ठीक है। ठीक है, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बार बार रिपीट करके देखिएगा तभी समझ में आएगा। थोड़ा सा अटपटा सा है लेकिन इसको सीख गए तो बहुत अच्छा ठेका है, बिगिनर्स भी इस चीज को सीख सकते हैं और जो अच्छा बजाते हैं उनके लिए तो है ही ये चीज। तैयार है, अच्छे से रियाज कर लीजिएगा। अब हम ठेके पे पढ़ते हैं, जो क्या ठेका है धिट धीना भी करवाएंगे लेकिन उससे पहले दुगुन वाला सुनिए। ठीक है, ठीक है, धाती देना की धिट भी बचता है, धिट धीना भी बच जाएगा। क्या बोला है इसका, ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से अच्छे से देखिएगा, बहुत सिंपल ठेका है। देखिए कैसे बजा हुआ है, धा टीट न ग धीट, बहुत सिंपल है। फिर से देखो, धा टीट न ग धीट, बहुत सिंपल ठेका, ध्यान से देखो। फिर से देखो, धा टीट न ग धीट, सिंपल ठेका, ध्यान से देखो, बोल लिखा हुआ आप लोग के लिए, धा टीट न ग धीट। ठीक है, तैयार है, अच्छे से रियाज कर लीजिएगा। अब अपने धिट देने वाले ठेके पे पढ़ते हैं कैसे बजाए, थोड़ा सा फास्ट बजाता हूं क्योंकि ये ठेका बहुत फास्ट जाता है, इसलिए दोगुन तक बजा सकते हो आप। मिल गया था, धिट धीना ती धी धीना, धिट धीना ती धी धीना। ठीक है, ध्यान से देखिए कैसे बजा हुआ है, धी ये नीचे से ये हिट करेंगे, धी तो अगर अंगूठी नहीं है तो ऐसे हिट करना है आपको। ठीक है, अंगूठी है तो ये यहां ये गट्टा है ना जो, यहां पे आपको हिट करना है, धी ती ती यहां पे हिट होगा, धी ट ती ना, फिर इसके बाद ती धी, ये म्यूट बजेगा, ती धी धी ना, सिंपल है। फिर से देखो, धी ट ती ना ती धी धी ना, बस इतना ही सिंपल सा ठेका, धी ट ती ना ती धी धी ना ना। ठीक है, सिंपल ठेका, अच्छे से रियाज कर लीजिए, ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने क्या सिखाया आपको, तकी टिता तकी टिके तक गे वो वाला ठेका सिखाया, दूसरा धा ती टिना धिट सिखाया, दोगुन का ठेका एक, और तीसरा हमने सिखाया धिट तीना ती दी दीना। ठीक है, अच्छे से रियाज कर लीजिएगा और आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आप लोग।